हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं चीज़ पराठा रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रोटी बेल के रखा हुआ है, इसके ऊपर से मैंने एक स्लाइस चीज़ का रख दिया है, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर लूँगी मैं इसमें। और इसको अब मैं अच्छे से फोल्ड करके फोल्ड कर लूँगी, चीज़ के शेप पे मैं इसको रोटी को फोल्ड कर लूँगी, और इसके ऊपर से आटा लगा के इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो फ्रेंड्स, बच्चे हो या बड़े, सबको चीज़ पराठा तो बहुत पसंद आएगा। आप भी अपने बच्चों के लिए बना करते देखें, बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा पतला ही बेलूँगी मैं इसको। तो ये मैंने बेल के रेडी कर लिया है, और अब यहाँ पर मेरा तवा गर्म हो चुका है, तवे पर मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। ये देख सकते हैं, अच्छे से मैंने सेक लिया है। अब इसके ऊपर से मैं एक चम्मच घी ऐड कर लूँगी, और घी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पराठे पे, पराठे के ऊपर से। अब इसको मैं पलटते हुए पकाऊँगी, धीमी आंच पे ही पकाऊँगी मैं पराठे को, ताकि ये जले ना। ये देख सकते हैं, और कितने अच्छे से फूल गया है एक ही बार में मेरा पराठा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं, स्कूल में लंच के लिए बना के भेजें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, पराठा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं, प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर से मैं इसको काट के दिखाऊंगी अंदर से, कि मेरा चीज़ कितना मेल्ट हुआ है। देख सकते हैं आप, ये चीज़ मेरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा पराठा बना है, एकदम से खिला खिला और फूला फूला पराठा बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।